मैंने एलोवेरा में इसको मिला के लगाया और ये देखिए मेरी स्किन लाइव रिजल्ट। 30 क्रॉस कर गए हैं, अगर आप 40 के हैं, 50 के हैं, तो आपको अपनी स्किन के ऊपर इस क्रीम को लगाने के साथ साथ में मसाज भी जरूर करनी है, ठीक है। मेरी स्किन इतनी बढ़िया लग रही है, ये देखिए इतना प्लम्पी लग रहा है स्किन कि मैं क्या बताऊँ, ये देखिए कुछ नहीं है फिर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा सिंह, कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ आप लोग अपना खूब सारा ध्यान रख रहे होंगे। लो जी, मैं लेके आ गई हूँ नाइट स्किन केयर रूटीन, जिसके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। एक्चुअली पूछा जा रहा था कि दी कोई नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो कर दीजिए, दिन में बहुत बार होता है हमें DIY करने का मौका नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। ये सच्ची बात है, मैं इस पर एग्री करूंगी, हर रोज काफी लोग के पास टाइम नहीं होता है, वर्किंग है, कॉलेज है, ऑफिस है, हर चीज है, नहीं कर पाते हैं। तो रात को जब आपकी स्किन आराम करती है, हमारी स्किन रात को अपने आप को रिपेयर करती है, जो उसके टिश्यूज होते हैं, चाहे पोल्यूशन की वजह से, धूप की वजह से, सन टैन की वजह से, काफी रीजन होते हैं जब हमारी पूरे दिन की जो थकावट होती है हमारी स्किन के ऊपर होती है। रात को सोने से पहले अगर आप अपनी स्किन के ऊपर कोई एक ऐसी क्रीम लगाते हैं, ये मार्केट वाली क्रीम नहीं है जी, घर पे बनाई हुई है। काफी लोग सोच रहे होंगे दी मार्केट वाली क्रीम ले आए, नहीं जी, आप यहाँ पे देख लीजिए मैं खुद से बना रही हूँ इस क्रीम को। ये क्रीम आप भी घर पर खुद से बनाएंगे। ये ऐसी क्रीम है जो आपके फाइन लाइंस और रिंकल्स के ऊपर काम करेगी, आपके डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करेगी, स्किन के रिंकल्स फाइन लाइंस को हटा के झुर्रियों झाइयों के ऊपर काम करेगी, बुढ़ापे को आने से रोकेगी, और आपके काले घेरे जो हैं आंखों के आसपास बड़े बड़े हो गए हैं उसके ऊपर भी ये बहुत बढ़िया से काम करेगी। अगर आप इसको रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी स्किन के ऊपर मसाज कर लेते हैं इस क्रीम के साथ में, आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अपनी स्किन में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगी कि रातों रात कुछ मैजिक हो जाएगा और आपकी स्किन एकदम से डार्क से व्हाइट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होगा, आपका कलर टोन वाकई में इंप्रूव होगा अगर आप इसको रेगुलर करते हैं। 15 दिन करके देख लीजिए, इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो अपने आप में ही पूर्ण है। इसमें जो चीजें डाली है वो आज से नहीं है, बहुत पुराने से चली आ रही है, हमारे पूर्वजों के टाइम से चली आ रही है। इनके नाम बहुत सारे हैं जो कि मैं आज आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्रीम को किस प्रकार से मैंने बनाया है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर देती हूँ, चैनल पर ये जो रेड वाला बटन है इसको आप दबा दीजिएगा आगे के वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि अगर आप मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है तो हो सकता है नेक्स्ट मेरा भी जब वीडियो आए आप तक ना पहुंचे। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के बटन को दबाना है बेल आइकॉन के साथ में, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास अपने आप पहुंच जाए, यूट्यूब अपने आप ही पहुंचा देगा। वीडियो में अगर कुछ भी पसंद आए तो एक लाइक आपकी तरफ से आना तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से इसको बनाना है, लगाने का प्रोसीजर मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले हम इसको बनाने का प्रोसीजर देख लेते हैं। हम बनाएंगे इसको एक पहले बाउल में, उसके बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हमें एलोवेरा जेल ले लेना है। एलोवेरा जेल आपको मार्केट वाला लेना है, अगर आपको थोड़ा सा इसको ज्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना है, जैसे कि 10 से 15 दिन के लिए अगर आपको इसको स्टोर करना है तो आप मार्केट वाला एलोवेरा जेल ले लीजिए, ब्रांड कोई भी हो चलेगा। एलोवेरा की बॉटल के ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहां पर क्लियरली लिखा है कि आपकी स्किन के मॉइस्चराइजिंग में हेल्प करता है, स्किन के डेड सेल्स को हटाता है, एक्ने के ऊपर काम करता है, सनबर्न के ऊपर काम करता है, ये रिंकल फाइन लाइंस के ऊपर काम करता है, आपकी एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। तो मतलब इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपको इस एक बॉक्स में मिल जाती हैं। अब हम डालते हैं एक और पावरफुल इंग्रेडिएंट जो कि है विटामिन ई ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि आप एलमंड ऑयल भी ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। मेरे पास ये ऑलिव ऑयल की बॉटल है जो कि ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाली है, लेकिन ये मेरी स्किन के लिए मैजिक का काम करती है, तो मैं हमेशा अपने नाइट क्रीम में तो एलोवेरा के साथ में यही लेती हूँ। हमने ये कितना लेना है, हमने ये लेना है हाफ स्पून के आसपास, मतलब अराउंड 9 से 10 ड्रॉप्स आपको इसमें एलोवेरा के साथ में मिक्स कर लेनी है, ठीक है जी। लेकिन इन बिटवीन अब हम पहले एक दूसरा काम करते हैं। हमें क्या करना है, एक बाउल में हमें लेनी है ग्रीन टी। देखिए ग्रीन टी में प्रॉपर्टीज होती हैं एंटी एजिंग वाली, जो रिंकल्स और फाइन लाइंस के ऊपर काम करती हैं। ग्रीन टी हमारी स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है, प्री मैच्योर एजिंग साइन से ये फाइट करती है, हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उसको ओपन करने में बहुत हेल्पफुल है। तो ग्रीन टी का यूज हम यहाँ पे कैसे करने वाले हैं, हमें थोड़ा सा ग्रीन टी लेना है, अराउंड हाफ स्पून आपको ग्रीन टी लेना है 10 से 15 दिन की क्रीम बनाने के लिए। तो ये देखिए जिस तरह से मैं ले रही हूँ, अब हमें इसमें ऐड करना है रोज वाटर। एक्चुअली पिछली बार जब मैंने क्रीम बनाई थी तो मैंने इसमें ग्रीन टी का टोनर यूज किया था, तो बहुत लोग बोले दी हमारे पास टोनर नहीं है, दी हमारे पास टोनर नहीं है, तो प्लीज कुछ और उपाय बताइए। तो मैंने उनसे तब मैसेजेस में भी बता दिया था कि आप रोज वाटर इस तरह से यूज कर सकते हैं, बट तो भी काफी लोगों को नहीं समझ में आया, बोले प्लीज अपना क्रीम बना के दिखा दो, तो वही आज मैं उनके लिए बना रही हूँ।
तो ये देखिए इस तरह से हमने रोज वाटर में इसको डिप करके रखना है कम से कम 5 से 7 मिनट, ताकि जो रोज वाटर है और जो ग्रीन टी है अच्छे से मिक्स हो जाए, ग्रीन टी के जितने भी गुण हैं हमें इस रोज वाटर में मिल जाए, क्योंकि हमें ये रोज वाटर अब उसमें यूज करना है। रोज वाटर आपकी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, आपकी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, क्लियर करता है आपकी स्किन को, और ग्रीन टी तो भैया आपके एक्ने के ऊपर काम करती है, ये आपकी स्किन के ऊपर ऑयल को भी बनने से बहुत हद तक कंट्रोल करती है। ग्रीन टी में कंटेंट पाए जाते हैं ऐसे जो आपकी स्किन के ऊपर नरिशमेंट तो प्रोवाइड करते ही है, रिंकल और फाइन लाइंस के ऊपर भी बहुत बढ़िया से काम करती है। 5 से 7 मिनट इसको रखने के बाद में जब ये फूल जाए अच्छे से तो इसको हम छान लेंगे, ठीक है। तो छानना मतलब हमने इसमें रोज वाटर इतना डालना है कि वो हमारी क्रीम में हेल्प करे, तो हम अराउंड 1 चम्मच ही हम इसमें रोज वाटर ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया, अब हमें इसमें डालना है विटामिन ई ऑयल का 1 कैप्सूल, क्योंकि हमने इसमें ऑलिव ऑयल भी डाला है। अगर आपको ऑलिव ऑयल नहीं है, विटामिन ई ही है, तो आप इसमें 2 कैप्सूल डाल सकते हैं। विटामिन ई ऑयल हमारी स्किन के लिए एक बहुत ही बेस्ट काम करता है फाइन लाइंस और रिंकल्स को हटाने के लिए। अगर आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस, रिंकल या एजिंग साइन ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, झाइयां ज्यादा दिखाई दे रही है ना, तो डन है कि आपको विटामिन ई खाना भी चाहिए और स्किन के ऊपर लगाना भी चाहिए। देखिए ये आपकी स्किन के जो स्कार्स होते हैं ना उसको मिनिमाइज करने में बहुत हेल्प करता है। इसके साथ में सोराइसिस, एक्जेमा जैसी प्रॉब्लम के ऊपर भी बहुत बढ़िया से काम करता है, स्किन को व्हाइट एंड ब्राइटन करता है, आपकी स्किन को ड्राइनेस से बचाता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है बहुत बढ़िया से। एक विटामिन ई का ऑयल भी अगर आप अपनी स्किन पे लगाते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो हमने 1 ही कैप्सूल लिया है, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसमें 2 ले सकते हैं। आप धीरे धीरे देखिए कितने बढ़िया से इसका कलर चेंज हुआ क्रीम का, ये किसी एंगल से नहीं लग रहा है कि हम इसको घर पर बनाए हैं। हमने इसको बनाया है कांच की ही कटोरी में, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आपको कांच की कटोरी में ही बनाना है और इसको स्टोर भी आपको कांच की कटोरी में करना है। ये देखिए कितनी सुपर, इतनी सॉफ्ट, इतनी लाइट क्रीम बनी है, मतलब मैं इसको हाथ पे लगा के आपको दिखाती हूँ, इतनी लाइट वेट है कि किसी एंगल से नहीं लगेगा कि आप रात को अपनी स्किन के ऊपर कुछ लगा के सो रहे हैं। इसको स्टोर करना है आपने किसी कांच की बॉटल में, पहले आपको उस बॉटल को धो लेना है अच्छे से गर्म पानी से, उसके बाद ही आप इस क्रीम को स्टोर करिएगा। ये देखिए मैं ये क्रीम को आपको क्लोजअप से दिखा रही हूँ, क्रीम को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा इतना ज्यादा क्रीमी टेक्सचर है। तो देखा किस प्रकार से क्रीम बनाई है, मैं इसको 15 दिन से लगा रही हूँ, मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा चेंज मुझे दिख रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रात को लगाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको दिन में लगा के दिखा रही हूँ। इस क्रीम को देखने से, बनाने के बाद में जब आप खुद बनाएंगे आपको लगेगा नहीं कि ये क्रीम आपने घर पर बनाई है, इतनी सॉफ्ट, इतनी ज्यादा लाइट है ये क्रीम कि आपको लगेगा नहीं कि आप रात को कोई क्रीम लगा के सो रहे हैं। आपको क्या करना है, इस प्रकार से अपने हाथ पे ले लेनी है, ठीक है, अपने हाथ को हल्का सा आपने गर्म करना है, वार्म करना है क्रीम लेने के बाद में, और उसके बाद में आपको इसकी करनी है मसाज। आपको मसाज वहां पर ज्यादा करनी है जहां पर आपको इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, मतलब आंखों के आसपास अगर आपके घेरे हैं तो आपको यहाँ पर इसकी मसाज जरूर करनी है। लिप्स के अराउंड यहाँ पर रिंकल और फाइन लाइंस काफी रहते हैं लोगों के, तो यहाँ पर आपको अच्छे से मसाज करनी है, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट की मसाज रात को बेड पे सोने जाने से पहले, मतलब जब आप अपना पूरा फेस वॉश कर लेते हैं उसके बाद में आपने इस क्रीम को अपने फेस पे, अपने नेक के ऊपर जरूर अप्लाई करना है। इसको रात को सोने जाने से पहले करेंगे तो पूरी रात ये क्रीम आपकी स्किन के ऊपर रहेगी और इसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। देखिए अगर आपकी स्किन लटक गई है, 30 क्रॉस कर गए हैं, अगर आप 40 के हैं, 50 के हैं, तो आपको अपनी स्किन के ऊपर इस क्रीम को लगाने के साथ साथ में मसाज भी जरूर करनी है, ठीक है। मसाज करने से क्या होता है कि हमारे जो फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उसके ऊपर बहुत बढ़िया से मसाज होती है, तो वो अपनी जो इलासिटी होती है उसको बरकरार रखते हैं। हमारी स्किन लूज कैसे हो जाती है, हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस और रिंकल्स क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी जो इलासिटी होती है ना वो खो जाती है, टाइम के साथ में खो जाती है, एज होती है तो खो जाती है, लेकिन अगर आप कंटिन्यू अपनी स्किन के ऊपर मसाज करेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर जो वो लचीलापन होना चाहिए वो बरकरार रहता है। तो इस प्रकार से देखिए आपको क्रीम को लगाना है अच्छे से। आप मेरी स्किन के ऊपर देख रहे हैं क्रीम कितना बढ़िया से ऑब्जर्व कर गई है, आप देख रहे हैं मेरी स्किन इतनी बढ़िया लग रही है, ये देखिए इतना प्लम्पी लग रहा है स्किन कि मैं क्या बताऊं, ये देखिए कुछ नहीं है फेस के ऊपर, इतना बढ़िया रिजल्ट आया है। इसको आपको रोज रात को सोने जाने से पहले करना है, 5 मिनट की मसाज करनी है। अब ये कौन कर सकता है, मतलब स्किन टाइप, ये हर स्किन टाइप को सूट करता है, क्योंकि एलोवेरा जो है ना वो हर स्किन टाइप को सूट करता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें ऑयल की क्वांटिटी जो है ना वो कम कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही है इसके बाद भी,
ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा, विटामिन ई ऑयल को आपको इंक्रीज कर देना है, ठीक है जी। वैसे भी सर्दियां भी आने वाली हैं, स्किन तो वैसे भी ड्राई होने वाली है, तो आपको क्या करना है, अपनी स्किन के ऊपर ऑयल की क्वांटिटी को आपको बढ़ा देना है, ठीक है। जितना ज्यादा स्किन आपका मुलायम रहेगा, नमी रहेगी, उतना ज्यादा आपकी फेस के ऊपर रिंकल्स और फाइननेस कम दिखेंगे, ठीक है जी। तो ये देखिए इस तरह से हमने कर लिया और ये पूरा का पूरा हमारी स्किन ने इसको खा लिया है, मतलब कि ये क्रीम हमारी स्किन को पसंद आई है, तो इसको आप बार बार बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट कोई अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज, व्लॉग अगर पसंद करते हैं तो मेरा व्लॉग चैनल के ऊपर जाके उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि व्लॉगिंग भी आप मेरी देख सके, पर्सनल लाइफ थोड़ी सी जानना चाहते हैं तो वहां पर जाकर अपना प्यार आप मुझे दिखा सकते हैं। रेखा सिंह लाइफ व्लॉग चैनल का नाम है, सर्च करेंगे मिल जाएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे व्लॉग चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग बातें कर सकते हैं, आप मुझे जान सकते हैं थोड़ा और क्लोज से। आशा करती हूँ आप इस क्रीम को बनाने के बाद में मुझे डीएम जरूर करेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, सेम आईडी है वहां पर भी। मिलते हैं ऐसे किसी और बढ़िया से वीडियो में, जहां शेयर करूंगी फिर से एक अच्छी सी रेमेडी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अपना खूब सारा ख्याल रखें, तो स्किन को जगमगाते रहिए। बाय, टेक केयर, सी यू।